नवोदित बाल कलाकारों को तराशा जा रहा है, उन्हें विभिन्न कला विधाओं में प्रशिक्षित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर आप देख सकते हैं, यह है सांस्कृतिक स्रोत प्रशिक्षण केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय। भारत सरकार के संस्कृति विभाग का यह क्षेत्रीय कार्यालय है और यहाँ पर इंद्रधनुष 2022 कल, आज और कल विषय पर नवोदित बाल कलाकारों को यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विभिन्न विधाओं के पारंगत कलाकार यहाँ नवोदित कलाकारों को तराश रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। कलाकार उत्साह के साथ यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, उत्साह में कोई कमी दिखलाई नहीं देती है इन कलाकारों के। यह भविष्य के कलाकार हैं, विभिन्न बड़े मंचों पर यह अपनी कला की प्रस्तुति देंगे, इसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। दमोह जिला मुख्यालय पर यह सांस्कृतिक स्रोत प्रशिक्षण केंद्र है। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के विशेष प्रयास से यह क्षेत्रीय कार्यालय दमोह में स्थापित हुआ है और यहाँ अब विभिन्न विधाओं के कलाकार यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और क्या नाम है गुड़िया? साक्षी जैन। क्या पढ़ती हो, कौन सी क्लास में? फोर्थ में पढ़ती। क्या सीख रही हो? कथक सीख रही हो। अच्छा लगता है? छोटा सा स्टेप बताओ। अभी ठीक से याद नहीं है। कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ? यहाँ क्या सीखने आई हूँ? कथक और सिंगिंग सीखते हैं। अच्छा, कथक भी सीखोगी और सिंगिंग गायन भी सीखोगी। हाँ। अभी कुछ क्या क्या सीखा है? अभी तो सिंगिंग हो गया, अभी कथक चल रहा है। कथक चल रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। यदि संसाइन है तब आप बनाओगे इनके बीच में सेंटर करना है। बिल्कुल छोटा ऐसा ये रहेगा अपना व्हाइट कलर। जब आप कलरफुल करोगे ना, ये व्हाइट कलर का रहेगा। कनक रजक। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सेवेंथ में। क्या सीखने आई हो? कथक। अरे वाह, पेंटिंग भी सीखोगी, कथक भी सीखोगी और गाना भी गाओगी, सब कुछ। अच्छा लग रहा है, है? तो सुना आपने, ये थे वह नवोदित बाल कलाकार जिनमें उत्साह की कोई कमी दिखलाई नहीं दे रही। और अब हम चर्चा करते हैं रंग कर्मी राजीव अयाची से। नगर के नवोदित कलाकारों को एक मंच देने का प्रयास चल रहा है, किस प्रकार का आयोजन है और क्या स्थिति है? सीसीआरटी दिल्ली का ये जो स्थानीय कार्यालय है दमोह में, इसके माध्यम से एक विचार आया। एक इनका कार्यक्रम है इंद्रधनुष कल, आज और कल। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक पाँचवीं क्लास से लेकर आठवीं नौवीं क्लास तक के बच्चों के लिए कार्यशाला करनी थी। इस कार्यशाला के अंतर्गत बहुत सारे बच्चों के लिए यहाँ पर बुलाया गया, अलग अलग विधाओं के माध्यम से, जिसमें कथक है, लोक नृत्य हमारा बधाई है, जिसमें पेंटिंग है, क्राफ्ट है, रंगमंच है। ऐसी कलाओं के माध्यम से हम बच्चों को प्रशिक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीसीआरटी का ये बहुत पुनीत कार्य है, जब एक ऐसे सेंटर के माध्यम से इस तरह के नवोदित कलाकारों को ये प्रशिक्षित करने का और प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। तो कला केवल इस बात का माध्यम नहीं होता कि आप स्टेज पर आए और परफॉर्म करें, बल्कि कला किसी भी एक बच्चे को, किसी भी एक इंसान को
बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रेरित करता है। उस दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण आयाम है CCRT का। मुझे लगता है कि क्योंकि 10 दिन का समय बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी इस कार्यशाला के माध्यम से बहुत सारे बच्चे ऐसे निकलेंगे जो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे और कला के माध्यम से खुद को परिमार्जित करने की कोशिश करेंगे। तो इस अभिनव प्रयास के लिए मैं अपनी संस्था जो इस युवा नाट्य मंच जो इस पूरे कार्यशाला में सहभागिता कर रही है उसकी ओर से CCRT दमोह के जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं श्री अनुज वाजपेयी जी और CCRT दिल्ली के सभी जितने अधिकारी हैं सबके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में हमारी संस्था को सहभागिता आपने दी। और जैसा कि हम सब लोग सालों से ये कार्य कर रहे हैं कि बच्चों की पर्सनालिटी किस तरीके से डेवलप हो कला के माध्यम से, और उसको एक करने का अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो ये दमोह के सभी नवोदित कलाकारों के लिए एक बहुत अच्छा और सशक्त प्लेटफॉर्म है। धन्यवाद।